तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की तरफ से एक नया अपडेट आया है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, सैमसंग गैलेक्सी में एक फीचर होता है बिक्सबी टेक्स्ट कॉल करके, उसके अंदर एक और नया अपडेट आया, या बोल सकते हैं उसके अंदर एक मॉड्यूल है, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट में क्या नया चेंजेस किया गया और क्या अपडेट है सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग बिक्सबी टेक्स्ट कॉल के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल के कॉल वाले में। यहाँ पर आपको डॉट रेड कलर का दिख रहा होगा कि इसमें कुछ नया चेंजेस है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे तो आपको बता देगा कि बिक्सबी टेक्स्ट कॉल के अंदर कुछ नया है, आपको दिख रहा होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे बता देगा अ न्यू वर्जन ऑफ लैंग्वेज पैक इज अवेलेबल, अपडेट इज बेटर फॉर वॉइस ट्रांजेक्शन, कि इसमें कुछ नई वॉइस यहाँ पर एड ऑन की गई है। आपको यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा जो कि सैमसंग गैलेक्सी स्टोर का है। आप देख सकते हैं गैलेक्सी स्टोर का है और यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर क्या क्या नया चेंजेस है। आप यहाँ से नीचे तक टैप करेंगे तो आपको सब यहाँ पर वो बता देगा। देख सकते हैं सब चीज़ यहाँ पर आ गई। ऑटो ओपन आफ्टर इंस्टॉलेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है या फिर इसको इस पर क्लिक कर दो और इसको यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर दो। जैसे ही अब अपडेट होगा ऑटोमेटिक वो अपडेट ओपन हो जाएगा और उसमें क्या नया चेंजेस है या फिर कौन सी नई लैंग्वेज एड ऑन की गई है वो देख लेते हैं। फाइनली दोस्तों ये हो चुकी है अपडेट। अपडेट करने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपको ये लैंग्वेज इसका डमी मिल जाएगा। आई कैन हेल्प यू चैट टू कॉलर्स व्हेन यू कांट टॉक अलाउड। यहाँ पर आप जाएंगे लैंग्वेज में, आपको और नई लैंग्वेज यहाँ पर एड ऑन होते हुए मिल जाएंगी। जैसे कि इंग्लिश इंडिया पे जाएंगे तो इसमें कुछ नया एड ऑन हुआ हो तो बता देगा। हाय आई एम बिक्सबी, आई कैन हेल्प यू चैट टू कॉलर्स। जैसा कि यहाँ पर आएंगे, आपको कोई वॉइस एड ऑन करना है तो यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो बता देगा जहां भी अवेलेबल होगी। फिलहाल इसमें कुछ नई लैंग्वेजेस एड ऑन की गई हैं। जैसा कि आप देखेंगे ये बाय डिफॉल्ट इतनी सारी लैंग्वेज अपन यूज करते थे, जो यूज नहीं करी हुई वो आपको एरर दे देगा, जो है उसमें कोई भी एरर नहीं देगा। जैसे यूनाइटेड किंगडम में कुछ नया अपडेट किया गया है तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ ऐड वॉइस पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा न्यू वर्जन ऑफ वॉइस अवेलेबल। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे फिर आपको बता देगा कि नया वर्जन अवेलेबल है, आप यहाँ पर क्लिक करके उसको अपडेट कर देंगे। तो जैसे ही वो अवेलेबल होगा वो आपको साउंड पर क्लिक करके बता देगा कि कैसी साउंड यहाँ पर ये प्ले होने वाली है इस अपडेट के बाद। मतलब कि इसमें नए ऐड ऑन में क्या किया गया है, इसकी जो वॉइस है उसका आपको अपडेट कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से लिसन कर सके या सामने वाले को अच्छे से वहाँ सुनाई दे सके, जो भी आप कुछ बोलना चाहते हैं अच्छे से वो अंडरस्टैंड कर सके। तो इस चीज़ के लिए ये दिया गया है। अब देखें जरा। Hi, I'm Bixby. I can help you chat to callers when you can't talk aloud. देख सकते हैं कितनी शानदार वॉइस यहाँ पर एड ऑन हो गई। अगर आप यहाँ पर दूसरी वॉइस भी देखेंगे तो वो वहाँ पर अपडेट करने को बोल देगा, वो भी वहाँ पर एड ऑन हो जाएंगी। तो यही नया कुछ नए चेंजेस किए गए हैं इस अपडेट के अंदर। वॉइस के रिलेटेड बहुत सारी अपडेट की गई हैं या फिर कोई भी जो कन्वर्सेशन हो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उसको यहाँ पर एक्यूरेसी को मेंटेन किया गया है ताकि जो भी चीज़ कन्वर्सेशन करें आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो और सामने वाले को भी जो सुनाई दे, जो आप लिख रहे हैं या फिर जो वो लिख रहा है वो आपको सही सुनाई दे। I can help you chat to callers when you can't talk aloud. तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आ रहा है। और अगर ऐसे ही आप यूनाइटेड किंगडम की जगह यहाँ पर जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स में तो यहाँ पर भी आपको नई नई वॉइस मिल जाएंगी। जैसे वॉइस टू, वॉइस थ्री या वॉइस वन में भी नया अपडेट आया है तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो अपडेट करने के लिए बता देगा और यहाँ पर जो भी कुछ नया होगा उसमें एड ऑन करके बता देगा। तो बहुत अच्छा चीज़ है यार, बहुत अच्छा फीचर है। मैंने तो बहुत जगह इसको यूज़ भी करा, बट इसका एक माइनस पॉइंट यही है कि ये सिर्फ अभी फिलहाल इंग्लिश में यूज़ हो रहा है। जो भी आप बोलेंगे वो सामने वाले को इंग्लिश में सुनाई देगा और जो वो बोलेगा वो आपको इंग्लिश में ही लिख के दिखाई देगा। मतलब कि लैंग्वेज अंडरस्टैंड होनी चाहिए, उसको इंग्लिश में ही बोलेगा तो सही तरीके से वर्क करेगा। अगर वो अदर लैंग्वेज में बात कर रहा है तो मुश्किल है कि आप उससे सही जगह से बात कर पाएँ, क्योंकि लैंग्वेज का वहाँ पर इशू आ जाएगा। तो अब मैंने ये सब अपडेट कर लिए हैं, मैं आपको यहाँ पर सुना देता हूँ। जैसे कि ये भी हो गया है। Hi, I'm Bixby. I can help you chat to callers when you can't talk aloud. अब ये सब मैंने ऐड ऑन कर लिए हैं, मैं आपको उसको वॉइस कॉल करके बताता हूँ कि एक्चुअल में ये कैसे कॉल होती है। तो फाइनली दोस्तों ऐसा कॉल आता है। कॉल आने के बाद आपको यहाँ पर बिक्सबी टेक्स्ट कॉल पे क्लिक कर लेना है। बिक्सबी टेक्स्ट कॉल करने के बाद आपको यहाँ से कॉल को रिसीव कर लेना है। अब जैसे ये कॉल रिसीव करेंगे तो सामने वाले को जो लिखा हुआ है ना वो सुनाई देगा। You're calling.
then Bixby will read my responses to you. तो ये इस तरीके से सामने वाले को लिख के दिखाई देगा, और अगर मैं अब यहाँ से कुछ बोलूंगा आप देखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, I can't talk right now. I'll call you back later. अब जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ हेलो, हाय आई एम सनी, तो आप देख रहे हैं वो सेम वहां पर वो लिख के बता रहा है, जो वो बोलेगा वो आपको यहाँ टाइपिंग में मिलेगा, जो आप यहाँ पर लिखेंगे सामने वाले को, जो मैं लिखूंगा वो सामने वाले को रीड करके सुनाई देने वाला है। तो दोस्तों यही होता है बिक्सबी टेक्स्ट कॉल वाला फीचर। आपको अगर नहीं पता कि कैसे इसको यूज करते हैं तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली मजा आएगा इस फीचर को यूज करके देखिएगा। और भी अगर कुछ लगता है कि इसके अलावा भी कुछ नए चेंजेस किए गए हैं इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप पर मुझे फॉलो कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।